मैं कुछ अलग फील से बोल रही हूँ. अलग फील मींस जो बोलना है क्लियर बोल. हे गाइस, इट्स मी माई लगड़ा. और आज मैं आई थी टाइगर भाई के जिम में, क्योंकि आदि कुछ दिन मतलब यहाँ आ रहा है जिम करने के लिए. तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके जिम में जाती हूँ और वर्कआउट वहीं पे करती हूँ. तो वहाँ पर एक आदि का दोस्त था राहुल. मैं सोच रही थी उस पर प्रैंक करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बार मुझे देख रहा था और मुझे लगा कि मुझे इस पर प्रैंक करना है. आदि ने बोला कि नहीं मत करो, मेरा फ्रेंड है. पर मैंने बोला नहीं, अब तो मैं इसी पे प्रैंक करूंगी. A few moments later. हे राहुल, कैसे हो भाई? आई एम गुड. आज स्कूटी लगा दे यार. मम्मी कुछ नहीं यार, वो आदि का वेट कर रही थी. मैं सोच रही थी कि आप मुझे ड्रॉप कर देते. कहाँ पे? द्वारका. आदि आने वाला है, वो दो मिनट लगेगी, बस आता ही होगा. अभी बस भाई से बात कर रहा है शायद. वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, उसका कुछ काम है उसे, तो भाई से बात कर रहा है. आई डोंट नो यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा अब उसके साथ जाने का. छोड़ दो ना, क्या हुआ मतलब. तुम वहाँ से फिर गाँव निकल जाना, मुझे द्वारका तक छोड़ दो. यार मैं द्वारका कैसे छोड़ूंगा, तो मैं वैसे भी स्कूटी लेकर आया. द्वारका कैसे? स्कूटी लेकर आए हो? मेरे पास गाड़ी है एक्चुअली. अच्छा चलो मेरी बात सुनो. आदमी मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छे वाला. तो अब वो आने वाला है, उसका वेट करो, मैं कॉल करके पूछता हूँ. एक मिनट वेट मत करो, कॉल मत करो. मुझे आपसे कुछ कहना था. हाँ बताओ. एक्चुअली आप जिम में जब आए एंट्री करी, आई रियली डोंट नो, मैं बस आपको देखे जा रही थी और मैंने आपको बहुत बार देखा. अच्छा फ्लर्टिंग? फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ. ये तो दिख रहा है साहब की फ्लर्ट कर रहे हो. नहीं एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक बार आपसे रोकूं और बात करूं. मैंने पूरे जिम में मतलब तुम्हें नहीं दिखाई दिया हुआ, और भी लड़के थे. तो यार ये जरूरी थोड़ी होता है, हमारी नज़र तो उसी को देखती ना जिसे हम पसंद करने लगे, मतलब लाइक जो हमें अच्छा लगे. लेकिन देखो आदि जो है ना मेरा मतलब सबसे अच्छा फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा. और मुझे पता है कि तुम उसी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है? मेरा और उसका अभी सीन चल नहीं रहा है, ब्रेकअप टाइप सीन चल रहा है. झगड़े तो अब नॉर्मली चलते रहते हैं, तो ऐसे थोड़ी ही होता है कि मतलब आपने मैं देखा और आप बोल रहे हो कि मुझे आप अच्छे लग रहे हो, ऐसे थोड़ी ही होता है सब. तो कैसे होता है? नहीं ये तो नॉर्मली. और क्या करूँ फिर? अच्छा मतलब करना है पर. सीरियसली अच्छे लग रहे हो मुझे तुम. अच्छा लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार अच्छा लगना, अपने बोला अच्छा लगना अच्छी बात है, दैट मींस तुम्हें अच्छा लग रहा है. नहीं नहीं लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन गलत है. मैं डायरेक्शन गलत नहीं है. नो लग रहा है ऐसा कि गलत है. क्यों लग रहा है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाह रही थी कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें साथ में और तुम्हें अच्छा लगेगा. नहीं मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तीनों करेंगे. मैं बुलाता हूँ आदि को, फिर तीनों चलते हैं ना. मुझे तुम्हारे साथ जाना है. मेरे साथ जाना है तो मैं एक बार भाई से कॉल करके पूछ लेता हूँ, फिर चलेंगे. भाई मुझे मना नहीं करेंगे तुम्हारे साथ जाने के लिए. मना नहीं करेगा? वो मुझे मार डालेगा. नहीं मारेगा, ऐसे फ्रेंड तो जा सकते हैं ना. लेकिन ऐसे तुम्हें क्यों जाना है उसके साथ? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? समझो मतलब मैं कुछ अलग फील से बोल रही हूँ. अलग फील मीन्स जो बोलना है क्लियर बोल. ओके ऐसा नहीं है कि मैंने आज तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने पहले भी तुम्हें जिम में देखा है. एंड पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन फील करती हूँ तुम्हारे साथ. मैंने भी तुम्हें बहुत बार देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें उस नज़रों से नहीं देखा जब आप फर्स्ट टाइम आए. क्योंकि तुम उस नज़र से मुझे इसलिए नहीं देख रहे ना, क्योंकि तुम्हारे माइंड में आदि 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 चल रहा है. एक बार आदि को साइड कर दो फिर मुझे देखो. ऐसे थोड़ी होता है साइड, ऐसे कैसे साइड हो जाएगा? देखो अब हमारी मतलब इतने सालों पुरानी दोस्ती है, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, सभी चीज़ें वर्कआउट करना, ऐसे थोड़े साइड हो जाएगा. पहले ऐसे लड़के हो जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, ठीक है? मतलब ठीक है यार, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं अच्छी लग रही, मैंने कब कहा कि बुरी लग रही है? तो बस फिर मेरे साथ कॉफी पे चलो, टाइम स्पेंड करो मेरे साथ और तुम्हें अच्छा. नहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब तुम आप गलत तरीके से बोल रहे हो ना. अगर आप नॉर्मली ऐसे अच्छे तरीके से कैसे? अच्छा पहले मेरी बात सुने, अच्छे तरीके से बोलते हो. अब फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? ओके ओके.
हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। हाँ दोस्त बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम अच्छे दोस्त हैं आज के बाद। और अभी हम कॉफ़ी पे जा रहे हैं। ओके चलो कॉफ़ी पे चलते हैं। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, ये वाली बात आदि को मत बताना। कॉफ़ी वाली बात उसको बताने से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम मेरे लिए अपना फीलिंग नहीं समझ रहे हो, कुछ और है। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है ना। तो लेकर आओ उसको, मुझे नहीं पता, लेकर आओ। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब फीलिंग्स लेके आना, फीलिंग्स अपने आप आती है अंदर से। तो ठीक है, अपने आप आती है ना। तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, फील आती है, फिर हम आगे कंटिन्यू। हाँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पक्का? पक्का। डन। फिर ये मत कहना कि अब आ रही है ये है वो है। डन ना। तो चलो मेरे साथ कॉफी चले। चलो एक बात बतानी भूल गई। हाँ बोलो। ओके उधर देखो कैमरा। अब मैं आदि को पकड़ के लाऊंगी। उसको बोल रही है मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को पटा लिया। नहीं पटाया नहीं है। पटाया। अब आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है कि वो मेरे साथ कॉफी में जा रहा था और मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो इसका मतलब होता है पटा देना, और मैं उससे ये वाली बैट जीत गई हूँ। अच्छा चलो।